हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जॉब्स एंड नॉलेज विद अरुण में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और इस बार देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर, ये गवर्नमेंट जॉब आई है, असिस्टेंट इंजीनियर। और इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, और ईसी। अगर आपने इनमें बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, सैलरी जो दे रहे हैं बहुत मस्त सैलरी दे रहे हैं, 96,000 से 1,77,000 पर मंथ। जैसे आपकी एज है उस प्रकार से आपको सैलरी होगी, ये समझ लीजिए, ठीक है। मतलब मिनिमम तो आपको 96,000 मिलनी ही है, और ये सैलरी आपकी 1,77,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। और एज देख लीजिए, इसमें क्या है, 21 से 45। अगर आपने बीटेक किया है और आपकी 21 साल है एज, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और आप अगर 45 साल से नीचे आते हैं और आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। होने की बहुत संभावना है, क्योंकि 466 पद मांग रहे हैं ये, 466 पद बहुत होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा बताया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। 466 रिक्तियां हैं इसमें, और 6 अप्रैल 2022 से इसका आवेदन शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल 2022 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट डेट 15 अप्रैल 2022 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप लोग एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्योंकि तो मैं जो जॉब निकाल रहा हूँ, आप लोग नोट भी करते रहिएगा लास्ट डेट क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो देखें और लास्ट डेट भूल ही जाए। और देख लीजिए, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम इसका 22 मई को होगा, मतलब बहुत ही अर्जेंट हायरिंग चल रही है ये। अप्रैल और अप्रैल के 1 महीने बाद तुरंत 22 मई को इसका एग्जाम ये लोग रख रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए, अप्लीकेशन फीस इसमें कितनी पड़ेगी। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, और आप अगर एससी और या ओबीसी से हैं तो आपको केवल 250 रुपये अप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क पड़ेगा आपका। और ये इसकी mppsc.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके पूरा देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।